फ्रेंड इसी में देखिए हम सारा चीज़ धो के लाए, टमाटर, बैंगन, आलू, प्याज, हरी मिर्च भी। तो दो टमाटर हम डाल लेते हैं और दो बैंगन थे हमारे पास बड़ा बड़ा। फिलहाल कुकर चावल का है, नीचे का तो साफ हो गया, ऊपर का साफ नहीं है, तो हमने चलो इसी में चढ़ा देते हैं। और ये आलू है, आलू और नीचे गिर गया। तो आलू, टमाटर, बैंगन, ये देखिए हमने सब कुछ इसी में डाल दिया। और ये जो हरी मिर्च हमने धो के लाया ना, इसको भी मैं ऐसे दो टुकड़ा कर करके इसमें हम डाल देते हैं। इसे चोखा ऐसे तो बैंगन टमाटर जब हम लोग आग करते हैं ना, गोईठा वाला आग, जब आग पर लिट्टी बनाते हैं तो हमने टमाटर और बैंगन, आलू आलू सिर्फ कुकर में उबाल लेते थे, और टमाटर बैंगन को हमने आग पे हमने अच्छे से भून देते थे। तो ये देखिए हमने लहसुन का कली ये भी इसमें डाल देते हैं, बस पानी डाल के नमक डाल के इसको गैस पर रख देते हैं। तो ये देखिए हम पानी डाल दिए, ये भी चोखा जो है ना ये मिक्स वाला बहुत अच्छा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। नमक हमने डाल दिया, बाकी का जो चीज़ है वो हम बाद में डालेंगे, फिलहाल तो अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। फ्रेंड हमने क्या किया, अपने सत्तू का जो हम लोग यहाँ बिहार में भुरकुंडी बोलते हैं, तो वही सत्तू का भुरकुंडी जो हमारा मिश्रण तैयार हो गया, जो आटा उसमें हम भरेंगे वही मिश्रण की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ का मतलब जो बोलते हैं सत्तू की भुरकुंडी, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हरी मिर्च, लहसुन, अजवाइन, मंगरेला, और ये है आम का कुचल इसमें, और प्याज, नमक और सत्तू डाल देते हैं। तो ये हमारा पैकेट वाला सत्तू हमने मंगवाया था, बहुत है। तो ये रहा सत्तू, इसमें बस जो सबसे टेस्ट ज़्यादा बढ़ाने वाला वो है सरसों का तेल। आप जब सरसों का तेल इसमें ना मिक्स करिएगा तो फिर मज़ा ही नहीं है, तो हम सरसों का तेल डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा, इसको हम ऐसे गड्ढा कर देते हैं और इसमें भर देते हैं सरसों का तेल। ये देखिए अब इसका जो टेस्टी पना आता है, इतना अच्छा टेस्ट आएगा इससे। फिलहाल तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड हमने सत्तू का जो भुरकुंडी था ना वो बना ली, बिहारी भाषा में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं मिश्रण, लेकिन जो हमारी भाषा है भुरकुंडी वो हमने तैयार कर लिया। ये देखिए हमारी बेटी हंस रही है। हमने अभी धनिया पत्ता इसमें नहीं डाला है फ्रिज में, जब चोखा हो जाएगा ना सब मिक्स करेंगे साथ में। अब फिलहाल हमने आटा दिखाने के लिए, ये देखिए लाइट हमारी चले गई, इधर मोबाइल बढ़ रहा इसके ऊपर और पीछे इमरजेंसी लाइट। तो फिलहाल हम ये जो मंगरेल अजवाइन है ना वो डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। खराब वचन थोड़ी है, बिहारी है, लेकिन वचन हमारा बिल्कुल शुद्ध और मीठा वचन होता है। तो फिलहाल चलते हैं हम आटा खाने, जब तक लाइट आ जाती है तो फिर दिखाएंगे। आ ही गई लाइट, आ गई। तो देखिए हम आटा गूंद लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड हमारी जो आलू का चोखा था बैगन का, वो गैस बंद कर देते बस, ये सीटी निकल जाए फिर हम। तो ये देखिए फ्रेंड हमने ऐसे से बना दिया, इसमें कम कम सत्तू इन लोगों के लिए भरे हैं। क्या करेंगे ना, सत्तू को ऐसे फाड़ देंगे, सारा गिरा देंगे प्लेट में, लिट्टी चोखा खा लेंगे। तो भरने का मतलब क्या हुआ, इसे इन लोग को थोड़ा थोड़ा भर के दे रहे हैं और हम अपने लिए इनके लिए भर भर के खाएंगे। हम वैसे क्योंकि सत्तू ऐसे तोड़ेंगे, चोखा लगाते हैं, खा लेते हैं, ऐ लोग नहीं वैसे नहीं खाते। तो देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ, जब ठंडी का मौसम आएगा तो आग वाला दिखाऊंगी, अभी तो फिलहाल गर्मी के दिन में कौन गोईठा पे बनाने जाएगा। तो ये देखिए ऐसे बना लिए, उसमें इसको डाल दिए, बस सब जल्दी जल्दी भर लेते हैं ऐसे। हमने तीन चार ठो पहले से बना लिया था। देखिए कितना अच्छा हुआ। अब इसको जो दाल मथनी होती है ना, यहाँ तो दाल घोटनी बोलते हैं, उसी से हम अच्छे से मथ देते हैं। तो ये देखिए फिर इसे से हम ऐसे ऐसे इसको मथ लेते हैं। कितना को चोखा है ना सूखा पसंद है हम लोग को, थोड़ा सा गीला गीला हल्का गिरी हल्का ठीक रहता है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये तो आलू है, अभी ये अच्छे से वो पूरी ठीक हो जाएगी।
देखिए इसी तरीके से हम सबको अच्छे से वो भी हमने लहसुन बस अदरक नहीं था तो नहीं डाले, कुछ दिन से नहीं डाले। और साथ में हमने प्याज जो कट करेंगे ना तो ये जो चोखा उस पर लेंगे तो उसी पे प्याज अच्छे से मिक्स करके जिसको खाना वो खाएगा, जिसको ऊपर से मन करेगा तो ऊपर से खा लेगा। तो ये देखिए हो गया ना, हमें इसमें सबसे तो मिक्स है, बस थोड़ा सा ये जो है हमारा मंगरेल अजवाइन हम ऐसे क्रश करके इसको अच्छे से ये डाल दिया। अब इसमें सरसों का तेल और नींबू डालना, धनिया पत्ता डालना। तो ये देखिए फ्रेंड धनिया पत्ता सॉरी हमने सरसों का तेल डाल दिया है, अब इसमें धनिया पत्ता काट के डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हम धनिया पत्ता डाल दिए, पता नहीं रखा रखा सूख गया, ऐसे में हम नींबू निचोड़ देते हैं इसलिए जो बीज रहेगा इसी में आ जाएगा। ऐसा खट्टापन रहता है तो काफी अच्छा होता है। आप ऐसे इस तरीके से आप एक बार चोखा बना के देखेगा काफी अच्छा होता है फ्रेंड। ये देखिए एक हमने नींबू गाड़ दिए, बस बहुत है। अब चलते हैं लिट्टी की जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते हैं, तैयारी तो हो चुकी है बस तल लेते हैं। तो बस इसको डाल दिया। अब ये जो इसमें है ना हमारी दल घुटनी इसे हम निकाल लेते, कुकर पे मत पट, कुकर पे पटकने से क्या होता है ना कोई भी बर्तन आपका खराब हो जाता है। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं और इसी से अच्छे से हमने नमक तो सारा चीज इसमें डाला हुआ है। बस ये देखिए हमारा चोखा, देखिए कितना अच्छा है। अब इसको हम नीचे ढक देते हैं, हमारी तेल गर्म हो चुकी है, गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और ये लिट्टी है जो ऐसे ही डाल देते हैं। इसको आपको दबाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार में हमारा 6-7-8 लिट्टी निकल जाएगा। काफी सारी लिट्टी हमने डाल दी है, गैस को मीडियम से भी मीडियम फ्लेम पे रखा है। देखिए तो एक तरह का वो हल्का सा ब्राउन होगा फिर पलट देंगे, आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके सबको तेल में ऐसे करके आप करिएगा ना तो हल्का हल्का हाथों से, बस ये देखिए दबाना नहीं है, बस हल्का हल्का इस तरीके से ये। बस सब अच्छे से तेल इसमें चला गया है, पलट देते हैं फ्रेंड क्योंकि हमारी कढ़ाई ये वाली है ना बहुत पतली है तो सबको पलट लेते हैं। देखिए ब्राउन हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है तो सबको पलट देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हम बिल्कुल मध्यम आंच रखे हैं और ये देखिए हमारी लिट्टी कितना, आप मीडियम आंच रखोगे तो अच्छे से पक भी जाएगी और देखिए जितनी लिट्टी हमारी थी सब फट गई है, जब फट जाती है ना तो समझिए लिट्टी अच्छे से अंदर से पूरी क्रिस्पी पक चुकी है। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये पक चुकी है अच्छे से, जो हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है उसे हम निकाल लेते हैं। और हमने मिक्स वाला अचार मंगाया है क्योंकि मार्केट का घर का अचार है आम वाला, उसके साथ ये लिट्टी अच्छी नहीं लग रही। हाँ मार्केट का अचार है तो ना काफी टेस्टी लगता है, हाँ मैं तो उसी के साथ पसंद पड़ता है। फ्रेंड अब मैं इसे निकाल चुकी हूँ, ये गया हमारा, हम तावा में निकाल के रख दिए हैं अभी तो फिलहाल। लिट्टी फोड़ने का है कि नहीं, फोड़ा फोड़ी नहीं हुआ, टेस्टी हाँ ये खुद फट गया है, फोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा तावा का डंटी है ना जो पहले लकड़ी का था वो फिलहाल तो वो निकल गया। हाँ बच के फ्रेंड
लकड़ी थोड़ा निकल गया तो क्या बतावा तो है ना। तो ये देखिए मेरी लिट्टी तैयार है। अभी लिट्टी सारा हम फिर डाल देते हैं इसमें जल्दी जल्दी। ये देखिए खाएगी, खाना है खाएगी तो पेट का हिस्सा आ रही है। चल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड इतना हम मेहनत करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को हमें नींद नहीं आती कि कल हम क्या दिखाएंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड, आप थोड़ा कमेंट कर दिया करिए कि हमारे वीडियो में क्या चाहिए, क्या आपको पसंद है, तो बिल्कुल वैसे ही वीडियो जाएगी। हमें तो जितना आता है वैसे ही करते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ थोड़ा आप भी आप हमें सपोर्ट दीजिएगा तो हम आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोग के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। फिलहाल जो हमारी वीडियो में हमसे गलती होती वो भी बताया करिए। ऐसे तो हम कुछ भी काम करें तो हम पता नहीं चलता कि क्या गलती करें। हमें बेटे भी कहते हैं मम्मी तुम बहुत बड़बड़ाती हो, क्या करें। ऐसे हम आपसे ऐसे हम कैमरा के सामने रहते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी फैमिली से बात कर रहे थे फेस टू फेस। और कभी ऐसा नहीं होता कि आप काम कर लो बाद में बोलो, तो वैसे हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये ऐसे हम बात करते तो लगता है कि हम अपनी फैमिली से एकदम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बात करने में। तो हमारे वीडियो में किसी चीज़ की कमी हो, लगता है कि गलती है, तो वो आप कमेंट करिए। और ये आपको लगता है कि कुछ ऐसा वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए। लेकिन हाँ करिए, सपोर्ट हमें करिए और सब्सक्राइब भी करिए, हमें बढ़ाइए, हमें आगे सपोर्ट आप ही का तो चाहिए हमें। तो फिलहाल ये देखिए लिट्टी हमारा, अब कलर देते हैं इसे। फिलहाल मैं आपको कल वाली वीडियो में, आज वाली वीडियो में तो नहीं जाएगी, आज ये सिर्फ वीडियो जाएगी। कल वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ मैंने कैसे कैसे करके हमें मोबाइल लिया है, कैसे क्या कि हमने कितने दिक्कत के बाद मोबाइल लिया, तो मैं दिखाऊंगी। तब हमारी वीडियो इतनी अच्छी जा रही है, वरना जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती थी वीडियो से बिल्कुल अच्छी वीडियो नहीं जाती थी। तो मैं कल वाली वीडियो में जरूर दिखाऊंगी आपको कि मैं किस मोबाइल से और कैसे करके हमारे हस्बैंड ने किया हमारे लिए। तो फिर आप तो लिट्टी निकाल लेते हैं तल के जल्दी जल्दी। तो ये देखिए फ्रेंड, ऐसे करो ना माँ के मुँह फुला दे, इतना बदमाश है ना। तो ये देखिए हमने मिक्स अचार मंगाया, हम यहाँ फुलता भी मिलता है डब्बा इतना बड़ा है ना उसी में से, तो वो तो नहीं मिला। अरे फटेगा कैसे, चक्कू 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 आते चक्कू, इतनी अच्छी खुशबू है फ्रेंड, इतनी अच्छी खुशबू, पता नहीं क्या चीज़ डालते हैं ये लोग, इतनी अच्छी खुशबू आती है। देखिए अचार, बिना अचार का लिट्टी चोखा मज़ा ही नहीं है। तो फिलहाल तो हमारे लिए हम तो नहीं खा रहे, ये खा रहा है छोटा वाला, भी कोई खाना नहीं खा रहा। बस तो ये देखिए प्याज चोखा अचार लिट्टी। तो पहले तो आप खाइए, पकड़ो तो ये पकड़ो ना। अरे पहले हमारे फ्रेंड खाएंगे भाई, तो हमारी तरफ से करिए आपको करो। तो बताइएगा कमेंट करके जरूर कि कैसा हमने बनाया है। और ये चोखा आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा प्लीज। तो फ्रेंड ये देखिए नींबू वाला, उसको देखिए। तो अभी खाना तो ये खा लिया है, ये खा लिया वो खा ली, अभी तीन जन बाकी हैं, हम बाकी वो अभी ये आए नहीं हैं। तो पता है क्यों नींद आ रही है, तो हम कहते हैं कि रात हो चुकी है, देखिए ना 9 बज रहे, 9:30। तो सोचे हट सोचते कि जाते हैं वीडियो एडिट करके डाल देते हैं तो मार देंगे। तो रात हो चुकी है, गुड नाइट फ्रेंड।